राजस्थान परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर, 10th और 12th के पेपर होंगे आयोजित जुलाई में। बहुत बड़ा फैसला आ गया है 10th 12th विद्यार्थियों के लिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो शेष पेपर है, जो भी बसे हुए पेपर है, वो जरूर आयोजित होंगे। बड़ी खबर आ गई है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जैसी CBSE जो है अपना डेट शीट या अपना जो फैसला देगी, वही RBSE का फैसला होगा। तो CBSE की बसी हुई परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 से 15 जुलाई के बीच में होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा, यानी 1 से 15 जुलाई के बीच में जो है आपकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो सकती है। परीक्षाएं तो बहुत लेट हुई है, लेट होगी लेकिन जरूर आयोजित होगी। यानी जिस प्रकार से CBSE ने फैसला लिया है, RBSE ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जैसा कहा है सरकार ने कि CBSE में मतलब CBSE और RBSE बोर्ड में एक रूपता बनी रहेंगी, ठीक है, किसी भी विद्यार्थियों का अहित नहीं होगा। इसलिए देखते हुए जो RBSE के जो पेपर है वो भी 1 से 15 जुलाई के बीच में हो सकते हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के, ठीक है। एक ट्वीट है, दूसरा ट्वीट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी CBSE की बसी हुई परीक्षाओं का ऐलान हो गया है, मानव विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया बोर्ड के बसे हुए एग्जाम जुलाई में होंगे। कब होंगे? जुलाई में होंगे। यहाँ पर आप डाउटनट पर करिए अपने 4 गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। राकेश यादव, RS अग्रवाल जैसी सारी इंपोर्टेंट बुक्स पाइए सॉल्व हो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ। यदि आप तैयारी के बीच किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो घबराइए मत, बस उस क्वेश्चन की फोटो खींचे और अच्छी तरह से क्रॉप कर लीजिए और सबमिट कर ले, और आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में डाउटनट ऐप पर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो याद रहे, डाउट है तो डाउटनट करो, आज ही डाउनलोड करें। आप देख सकते हैं ये भी ट्वीट, ठीक है। अब आपको मैं न्यूज भी बताऊंगा। तो आपको ये आपकी जो तैयारी है वो आपको कंटिन्यू रखना है। अभी तक जैसे ही कोई RBSE CBSE का अंतिम कोई निर्णय है वो अभी तक कोई घोषित नहीं किया गया है। जैसे ही देखो स्थिति की समीक्षा करते हुए वो घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी संभावना नहीं लग रही है कि RBSE और CBSE पर अंतिम कोई निर्णय होगा। लेकिन जैसा कि न्यूज में आ रहा है, न्यूज पेपर में आ रहा है, कोई मीटिंगें हो रही है, बैठक में होगी, तो एक बड़ा फैसला जरूर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन CBSE की परीक्षा है वो जुलाई में आयोजित होगी, और CBSE की तरह से मतलब जैसे ही CBSE की तरह से मतलब तरह से ही तब से ही ऐसे ही जो RBSE की जो परीक्षा है वही आयोजित होगी, ठीक है। तो RBSE की परीक्षा है वो भी जुलाई में होगी। अपने आपकी जो तैयारी है वो आपको कंटिन्यू रखना है। परीक्षा कब होगी नहीं होगी ये सब आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपकी तैयारी पर फोकस कीजिए। जैसे कोई न्यू अपडेट आता है तो हमारे चैनल की तरफ से आपको सबसे पहले वह सटीक अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। दो ट्वीट जो है जी राजस्थान न्यूज के द्वारा ट्वीट कर दिए गए हैं। और अब बात करेंगे राजस्थान बोर्ड की, तो सीएम गहलोत ने आज बोर्ड परीक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद देर शाम सीएम ने स्कूली शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे महत्वपूर्ण बात सीएम ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कही। सीएम ने कहा कि फिलहाल परीक्षाएं स्थगित रहेंगी, बाद में CBSE के फैसले के हिसाब से फैसला लिया जाएगा, ताकि दोनों बोर्ड परीक्षाओं में एकरूपता बनी रहे। इसके अलावा सीएम ने प्राइवेट स्कूलों को भी निर्देश दिए हैं कि अगर कोई फीस नहीं जमा कर पाता है या करा पाता है तो उसकी TC नहीं काटी जाए। सीएम ने शिक्षा विभाग को भी इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो ये पता लगाए कि किस तरह से फीस में राहत दी जा सकती है, जिससे स्कूलों पर भी ज्यादा भार ना पड़े। इसके अलावा मिड डे मील को लेकर भी सीएम ने कहा कि छुट्टियों में पका हुआ भोजन देना संभव नहीं है, इसीलिए पारदर्शी तरीके से अभिभावकों को सूखा राशन दिया जाए। इसके अलावा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए